Hello, welcome to Arvind Singh Academy, and we are discussing integration. This is lecture number 7. I hope you have already watched part 1 to part 6 before watching part 7. And nowadays we are discussing substitutions and integration, and we have already discussed about the method of transformation. तो अभी तक जितना हमने सीखा है उस पे कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस, कुछ कम्पिटेटिव कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस आज करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे. पहले देखते हैं कि जो अभी तक हमने सीखा है उसके आधार पर हम क्या क्या क्वेश्चंस, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. सो डूइंग ऑल दीज थिंग्स वी विल एबल टू अंडरस्टैंड हियर. फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक ऑन हियर टूडे. And this is a integration I is equal to 1 minus e to the power 2x upon 1 plus e to the power 2x. अभी तक हमने सीखा तो बहुत कुछ है, लेकिन उसके आधार पर ऐसी कोई बुद्धि सीधे सीधे नजर नहीं आ रही है जिसके आधार पर हमें लगे कि ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तरीका क्या है कि आपको ऐसा करना होगा कि नीचे वाले फंक्शन का पहले कंसेप्ट की डिस्कस कर ले हम और फिर इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि अगर ऊपर में जैसे हमने कहा 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है log x plus c. इसका अर्थ ये है कि x का ये जो x है इसका डेरिवेटिव यहाँ dx है तो log x हो गया. इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि ऊपर में है cos x और नीचे में है sin x dx तो ये क्या हो जाता है log of sin x plus c, log of sin x plus c, और यही होता है इंटीग्रेशन ऑफ cot x. सीखा आपने, ठीक है. तो नीचे वाले का अगर ऊपर डेरिवेटिव हो तो लॉग ऑफ नीचे वाला आंसर होता है. ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि नीचे वाले का ऊपर अगर डेरिवेटिव हो तो लॉग ऑफ नीचे वाला आंसर होता है. इसका अर्थ ये है कि हम अगर क्वेश्चंस को ऐसा करें कि नीचे वाले फंक्शन का ऊपर अगर क्या हो डेरिवेटिव तो लॉग ऑफ नीचे वाला आंसर होगा. और ये बात समझने के लिए यहां देखते हैं, इसको आप लिख सकते हैं आप ऐसे कि ऊपर में f डैश x हो और नीचे में f x हो यानी कोई फंक्शन हो तो ये हम लिख सकते हैं इसको log of f x dx, log of f x dx, log of f x plus c आंसर. ये बात आपको याद रखनी चाहिए. इस तरीके से जो हमारे पास जितने भी अभी हमने फॉर्मूले सीखे हैं उन फॉर्मूलों का प्रूफ किया जा सकता है. चलिए पहले उन फॉर्मूलों के बारे में थोड़ा सीखते हैं कि उनकी प्रूफ कैसे हो सकती है, उसके बाद फिर हम वापस आते हैं इस पे कि इसको कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. लेकिन अभी चाहे तो अभी भी कर सकते हैं इसको. कैसे करोगे इसको कि इसको अगर मैं ई टू द पावर एक से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, e टू दी पावर माइनस सिक्स माइनस e टू दी पावर x अपॉन e टू दी पावर माइनस सिक्स प्लस e टू दी पावर x, e टू दी पावर माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई करने से कुछ ऐसा हो जाएगा. क्या इसको नीचे वाले को अगर t पुट करें तो इसका डेरिवेटिव ऊपर में दिख रहा है क्या, अगर मैं माइनस इसमें से कॉमन ले लूं, ध्यान से देखिए माइनस कॉमन ले लिया जाए तो e टू दी पावर x माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स और नीचे हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स. अब देखिए नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है क्या, है. आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू दी पावर एक्स होता है, ई टू दी पावर माइनस एक्स का ई टू दी पावर माइनस एक्स होता है और माइनस वन का फिर माइनस एक्स का फिर माइनस वन हो जाएगा. तो नीचे वाले को अगर टी पुट किया जाए तो ऊपर वाला डी टी हो जाएगा. तो dt upon t क्या हो जाएगा, log t. मतलब नीचे वाले का अगर ऊपर डेरिवेटिव है तो log of नीचे वाला जो होगा वो आंसर हो जाएगा. इसको आप आसानी से आंसर लिख सकते हैं, नीचे वाला आंसर हो जाएगा. इसके आधार पर कुछ और क्वेश्चंस की हम बात करते हैं और देखते हैं कि ये अगला क्वेश्चंस कैसे होगा. ये जो हमारा आप देखिए ये जो कुछ पहले फॉर्मूला सीखा था हमने कि इंटीग्रेशन ऑफ जो फॉर्मूले हमने सीखे हुए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता था, टैन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस सी.
अब आज सीखते हैं कि ये होता कैसे है। पहले ये सीख लेते हैं, फिर ट्रिकी क्वेश्चन पे आते हैं। टैन एक्स को आप लिख सकते हो साइन एक्स बाई कॉस एक्स, लिख सकते हो डीएक्स। और अब अगर कॉस एक्स को टी पुट कर लिया जाए तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स डीएक्स, डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डीएक्स और डीटी, यानी साइन एक्स डीएक्स के बदले आप लिख सकते हैं माइनस डीटी। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस डीटी अपॉन टी, है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस बाहर डीटी अपॉन टी, और डीटी अपॉन टी को क्या लिख सकते हैं, लॉग टी प्लस सी, राइट। और टी को क्या लिख सकते हैं, अगर माइनस पावर हो जाए लॉग एम टू द पावर एन, तो टी का पावर माइनस वन हो जाएगा प्लस सी। और टी क्या है हमारा, यानी लॉग ऑफ वन बाई टी प्लस सी। और टी क्या है हमारा, टी है हमारा कॉस एक्स, यानी लॉग ऑफ वन बाई कॉस एक्स प्लस सी। और वन बाई कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स, तो इसलिए हो जाता है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी। तो इसका मतलब है कि टैन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस सी क्यों होता है, ये बात आपको समझ में आ गई। हमने पहले दिन आपको कहा था कि इसको फॉर्मूले को याद कर लीजिए, और जब जरूरत होगा, जब मौका आएगा, तो हम आपको बताएंगे कि ये होता क्यों है। वो आज हमने बता दिया कि लॉग सेक एक्स क्यों होता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, हम प्रूफ कर सकते हैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डीएक्स हो, इसको करना है हमें, तो कैसे करोगे। इसका इंटीग्रेशन हमने सिखाया था आपको, कहा था याद रखने के लिए, क्या कहा था याद रखने के लिए, कि लॉग सेक एक्स प्लस टैन एक्स होता है। इसका मतलब है कि सेक एक्स प्लस टैन एक्स से हमें ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए। यह है सेक एक्स, हम सेक एक्स प्लस टैन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेक एक्स प्लस टैन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया सेक एक्स प्लस टैन एक्स, और ये हो गया डीएक्स। अब हमने सेक एक्स प्लस टैन एक्स को टी पुट कर लिया, सेक एक्स प्लस टैन एक्स को टी पुट कर लिया, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक एक्स टैन एक्स, और टैन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इज इक्वल टू डीटी। ये हो गया सेक एक्स कॉमन, और यहां से मिल गया टैन एक्स, और यहां से एक मिल जाएगा सेक एक्स डीएक्स इज इक्वल टू डीटी, यानी ऊपर में जो कुछ भी है ये सेक एक्स यहाँ पे है, और सेक एक्स प्लस टैन एक्स, टैन एक्स प्लस सेक एक्स, और सेक एक्स प्लस टैन एक्स इज द सेम थिंग, और डीएक्स, ये सब कुछ ऊपर में है। ऊपर में जितना जो कुछ भी है उसके बदले आप लिख सकते हैं क्या यहाँ पे, डी टी, और नीचे क्या, नीचे वाले को क्या पुट किया है, टी, डी टी बाई टी क्या हो गया, लॉग टी, लॉग टी प्लस सी। और टी क्या था हमारा, टी हमने किसको पुट किया था, sec x प्लस tan x को, और प्लस सी। तो इस तरीके से ये आंसर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इज इक्वल टू log sec x प्लस tan x प्लस सी, ठीक है। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ cosec x जो होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, इसको अगर करना हो, इसको हमने सिखाया हुआ है आपको, इसमें क्या करते हैं कि cosec x में कोसेक एक्स माइनस कॉटेक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो लॉग ऑफ नीचे वाला लिख सकते हैं, फिर भी तसल्ली के लिए हम इसे पुट करके दिखा देते हैं आपको। कोसेक एक्स माइनस कॉटेक्स इज इक्वल टू टी, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स कॉटेक्स, राइट, और इसका होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, और इन पूरे में आ गया क्या, dx इज इक्वल टू dt। cosec x अगर कॉमन ले लूं तो यहां से मिल रह जाएगा cosec x, और यहां से मिल जाएगा cot x, और ये dx इज इक्वल टू dt। इसका मतलब है कि ऊपर में जो कुछ भी है उसके बदले आप dt लिख सकते हैं, तो ये इंटीग्रेंड जो हो जाएगा वो हो जाएगा dt अपॉन t, नीचे वाले को t पुट किया है, ये हो जाएगा log t plus c, और t क्या है, नथिंग एल्स बट कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो नीचे वाले का अगर डेरिवेटिव हो तो हम लॉग ऑफ नीचे वाला लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा हो जाए, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ऐसा हो कि ये लिखा है ई टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन ई टू द पावर एक्स माइनस वन डीएक्स। अब क्या करोगे, वहां तो 2x था, तो आपने ऐसा कर दिया था कि e टू द पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया, यानी आधे से मल्टीप्लाई किया, तो
तो यहां पर भी आपको e टू दी पावर x माइनस एक्स बाई टू से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये e टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ प्लस है सर, ये क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस है, ये अदरवाइज तो कट ही जाएगा, और माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू, माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू, और नीचे हो गया e टू दी पावर एक्स बाई टू प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू। हमने e टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव है क्या, है e टू दी पावर एक्स बाई टू का क्या होगा, e टू दी पावर एक्स बाई टू, और एक्स बाई टू का क्या होगा, वन बाई टू। तो वन बाई टू यहां नहीं है, तो हम वन बाई टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, यानी टू टाइम्स ऑफ वन बाई टू कर सकते हैं। वन बाई टू इन दोनों में बाहर आएगा, है ना, दोनों में वन बाई टू बाहर आएगा। तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, या तो पूरा सब्स्टिट्यूशन करके देख लीजिए समझने के लिए, हो सकता है कि अभी ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ में ना आ रहा हो, तो आप इसको पुट करके ही देख लीजिए। देखिए अभी फिर उसके बाद समझा दूंगा, ये माइनस एक्स बाई टू इज इक्वल टू टी पुट कर लिया, तो ई टू दी पावर एक्स बाई टू और एक्स बाई टू का वन बाई टू प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू और माइनस एक्स बाई टू का वन बाई टू और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हुआ। अब इसमें से वन बाई टू अगर कॉमन ले लिया जाए तो ई टू दी पावर एक्स बाई टू ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी, मतलब ई टू दी पावर एक्स बाई टू माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू डी एक्स के बदले हम टू डी टी लिख सकते हैं। तो ये वन बाई टू इसमें आएगा, सो टू से ऑलरेडी यहाँ पे क्या होगा डिवाइड, तो टू से हमें क्या करना चाहिए था मल्टीप्लाई, यानी इस पूरे चीज के बदले आप क्या लिख सकते हैं, इस पूरे चीज के बदले आप लिख सकते हैं टू डी टी, और नीचे क्या हो गया टी, यानी क्या हो गया टू लॉग टी प्लस सी, ये आंसर आ गया। यानी आप लिख सकते हो टू लॉग ऑफ टी का मतलब ये e टू दी पावर एक्स बाई टू प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू प्लस सी। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज इस क्वेश्चन में विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि हमें इसे मल्टीप्लाई करना होता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता और ये बच्चों को बहुत मुश्किल लगती है। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे क्या याद रखना है, पॉइंट टू रिमेम्बर, क्या याद रखना है, व्हेन एवर देयर इज सच फंक्शन मल्टीप्लाई बाई बाई हाफ ऑफ पावर ई टू दी पावर ऑफ ई टू दी पावर ई पावर ऑफ ई, ये पॉइंट आपको याद रखना है, इससे ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, ये देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। सिक्स आई इज इक्वल, ये लिखा है कॉस टू एक्स माइनस कॉस टू अल्फा अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा डीएक्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, और बच्चों को ये क्यों मुश्किल लगती है, क्योंकि ये ऊपर में भी है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है, लेकिन जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं जिनको ये cos 2x का बारे में पता है, उनको पता है कि cos 2x के चार फॉर्मूले होते हैं और चार फॉर्मूले में से हम cos वाला फॉर्मूला यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि नीचे cos का फंक्शन है। तो क्या लिख देंगे, वो cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसी तरह से cos 2 अल्फा के बारे में भी लिख देंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और ये क्या हो गया cos x प्लस cos अल्फा और इंटू dx। ऐसा करने से क्या मिल जाएगा, देखिए यहां से वन और ये माइनस माइनस प्लस वन होगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो मिल जाएगा आपके पास टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा डीएक्स। टू कॉमन ले लिया तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, नीचे मिल गया cos x प्लस cos अल्फा। ये तो आपको पता ही होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b a माइनस b, तो ये 2 बाहर हो गया cos x प्लस cos अल्फा इनटू cos x माइनस cos अल्फा,
और आपके पास नीचे में है कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा, तो इस तरह से ये जो है पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, और आपके पास बच गया क्या, कॉस एक्स ट्वाइस ऑफ कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डी एक्स। कॉस अल्फा एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स आपको पता ही है, और कॉस अल्फा का क्या होगा, कॉस अल्फा तो कॉन्स्टेंट है, और जैसे 2 का 2x होता है, 3 का 3x होता है, यानी 3 बाहर आ जाता है और x उसके साथ लग जाता है, वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा x cos अल्फा प्लस c, ये हो जाएगा आंसर। cos अल्फा का कुछ लोगों को ये नहीं पता चल रहा होगा, कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे जो cos अल्फा है उसको वो लिख देते हैं sin अल्फा, dx के रिस्पेक्ट में cos अल्फा कांस्टेंट है, तो ये cos अल्फा बाहर आ जाता है और ये इंटीग्रल dx हो जाता है, ठीक है, और ये cos अल्फा और इंटीग्रल dx क्या होता है, x, इसलिए हमने इसको x cos अल्फा लिखा है और कोई खास बात नहीं है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि cos अल्फा अगर है तो अल्फा के रिस्पेक्ट में ये dx क्या है, dx वेरिएबल है, अल्फा जो है कांस्टेंट है, cos अल्फा का साइन अल्फा तभी लिख सकते हैं जब यहाँ dx ना हो करके d अल्फा हो, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, इसलिए cos अल्फा यहाँ पे क्या माना जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि फंक्शन किसका है, x का, y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो x वेरिएबल है, बाकी सारा चीज क्या है, कांस्टेंट, समझ में आ रही बात। तो इस तरह से इस सवाल को हम कर सकते हैं। अगला जो सवाल है जरा इस पे देखिए और ये क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए कैसे बनेगा। ये क्वेश्चन क्या है, dx अपॉन x टू दी पावर 4 + 1, ये है क्वेश्चन कुछ इस तरह का, और यहां पे लिखा है एक्स क्यूब डीएक्स, बताइए, चाहे एक्स एक्स का पावर 4 लिखा ऐसा भी कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, अब इस क्वेश्चन में भी आप अगर देखें तो एक्स का पावर 4 है और यहाँ एक्स है, अगर एक्स का पावर 4 कॉमन लिया जाए तो क्या होगा, हम एक्स के पावर 4 को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर में डीएक्स और नीचे में क्या हो जाएगा, x का पावर 4 कॉमन लेने से x का पावर 5 हो जाएगा और यहाँ 1/1 + x का पावर 4 हो जाएगा, है ना। अब हम जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है उसको टी पुट कर लेते हैं, यानी पुट कर लेते हैं 1 + 1/x का पावर 4 को टी, 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -4/x का पावर 5 dx इज इक्वल टू dt, इसका मतलब हो गया कि dx अपॉन x का पावर 5 को आप -1/4 dt लिख सकते हैं, ये -1/4 इधर एक डिवाइड हो जाएगा। तो अब ऐसा हमें समझ में आया कि ये जो dx है और x का पावर 5 है, इस पूरे के बदले हम ये चीज -1/4 dt लिख सकते हैं, -1/4 ऊपर हो गया dt और नीचे क्या हो गया t, अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, log t, तो ये हो गया log ऑफ t प्लस c, इसका मतलब हो गया -1/4 log ऑफ 1 + 1/x⁴, 1/x⁴ dx + c, इसको आप चाहें तो 1/4 log ऑफ ये x⁴ + 1/x⁴ होगा, इसको माइनस पावर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा उल्टा, तो आप लिख सकते हैं x⁴ / x⁴ + c, उल्टा हो जाएगा, ऐसे तो x⁴ + 1 हो रहा है अपॉन x⁴, लेकिन ये माइनस पावर उल्टा होने से ये ऊपर की चीज उल्टी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x⁴ / x⁴ + c, ऐसा आंसर आ जाएगा। इसको अदर फॉर्म में भी मोर देन वन चॉइस के लिए जो क्वेश्चन आता है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं और क्या समझ सकते हैं इससे, मोर देन वन चॉइस के लिए इसमें कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं, एक ये भी हो सकता है, एक ये भी हो सकता है, इसके अलावा इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं मैं तो ये हो जाएगा 1/4 log ऑफ x⁴ / 1 + x⁴ को सिंप्लीफाई करना है हमें, तो हम लिख सकते हैं log m by n क्या होता है, ये होता है log m माइनस log n, तो 1 + x⁴ + c आएगा। अब इसमें हमें फिर क्या करना चाहिए, ये हो गया log m टू दी पावर n क्या होता है, n log m, तो 4 log x माइनस log ऑफ 1 + x⁴, यानी 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा log x
माइनस वन बाई फोर वन प्लस एक्स टू दी पावर फोर प्लस सी आंसर। इसका मतलब है कि हम इसको कई सारे पैटर्न पे आंसर लिख सकते हैं। ऑप्शन में ये वाला टाइप भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, और ये वाला भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आंसर ऐसा ही होगा। तो यहाँ पावर फोर हो तभी ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ कुछ भी पावर हो, 7 हो 8 हो 9 हो 10 हो, कुछ भी हो, तो आपका आंसर यही आ जाएगा। अगर आप इसको भी एक टाइप के फॉर्म में याद रखें तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसको 3 स्टार दे देता हूँ, तो आप आंसर सीधे लिख सकते हैं। कैसे सीधे आंसर लिख सकते हैं? जैसे एक क्वेश्चन हो जाए, मान लीजिए कि हमारा क्वेश्चन ऐसा हो जाए, क्वेश्चन 8, ये ऐसा हो जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x एक्स टू दी पावर 11 प्लस 1 dx। तो आप इसका आंसर क्या लिख सकते हो? इसका आंसर लिख सकते हो सीधे कि -1/12, राइट। ध्यान से देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए 4 था तो आंसर में क्या है, -1/4, 1 प्लस 1/x का पावर 4 आया था ना, तो उसी तरह से यहाँ पे भी हो जाएगा 1/12, राइट। सॉरी, 4 है तो यहाँ पे 4 आ रहा है, तो 11 है तो 11 आएगा, 11 पावर हमने लिया है तो 11 ही आएगा, और क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 प्लस 1/x का पावर 11 प्लस सी। डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए इसे और ज्यादा थोड़ी एक्सटेंशन करूं इसकी, और मैं ऐसा लिख दूं कि आई इज इक्वल टू 1/n x into x का पावर n, x का पावर n+1, तब भी क्या आंसर आ जाएगा, dx, तब आंसर आ जाएगा -1/n log 1 प्लस 1/x का पावर n प्लस c। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि log ऑफ x माइनस log ऑफ 1 प्लस x टू दी पावर n होल डिवाइडेड बाई n प्लस c आंसर, ठीक है। तो ये पैटर्न है, आप इसका कहीं भी इस्तेमाल किसी भी पावर के लिए कर सकते हैं, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो। पावर का इस्तेमाल आप कैसे भी कर सकते हैं, 1/x टू दी पावर 10 इंटू x टू दी पावर 10 प्लस 1, तब भी यही आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, -1/10, या आप इस पैटर्न में लिखना चाहते हैं तो ये आ जाएगा लॉग एक्स माइनस 1/10 लॉग 1 प्लस x टू दी पावर 10 प्लस c। तो इस तरह से इस क्वेश्चंस का आप आंसर लिख सकते हैं बड़े ही आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चंस कुछ और करते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11। अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम, और ये क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ sin x + α/sin x dx। कोई भी आदमी sin a + b का जो फॉर्मूला जानता होगा वो इसको लिख देगा ऐसे कि sin a cos b, sin a + b का फॉर्मूला होता है sin x cos α + cos x sin α, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, डिवाइडेड बाई sin x dx, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको अलग अलग कर दूं, ये हो गया sin x cos α / sin x लिखा जा सकता है ऐसे, प्लस cos x sin α होल डिवाइडेड बाई sin x dx। यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखें तो ये जो है वो कट जाएगा, sin x यहाँ कट जाएगा, यहाँ cos अल्फा रह गया, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ cos अल्फा और यहाँ sin अल्फा इंटू cos x / sin x dx। cos अल्फा कॉन्स्टेंट है तो उसको बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रेशन dx बच गया है ना, और यहाँ पे साइन अल्फा बाहर ले लिए तो क्या मिल गया, cos x / sin x dx हो गया। अब cos इंटीग्रल dx क्या होगा, x होगा, तो इंटीग्रल dx हो जाएगा x और ये cos अल्फा आ गया, cos अल्फा, और यहाँ पे नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव है, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x dx होता है, तो log ऑफ नीचे वाला यानी साइन अल्फा log ऑफ साइन एक्स बोलिए प्लस सी, ये हो गया आंसर। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं जिसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। एक बात याद रखना है कि अगर ऊपर में फंक्शन है f(x) और नीचे में उसका डेरिवेटिव है तो आपको लिखना चाहिए f'(x) / f(x) है,
और ये इंटीग्रल डीएक्स है, तो आपको लिखना चाहिए क्या, लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी, याद रहेगा ये तो बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल किया है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद ही होगा, फिर भी हम चाहते हैं कि एक बार रिमाइंड कर दें। ये क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, उसी तरह से हमने यहाँ लिखा है, साइन ए के जगह पर ये है, बी के जगह पर ये है, तो हमने लिख दिया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, नीचे साइन एक्स था, हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, यहाँ साइन से साइन कट जाएगा, एक कॉस एक्स बच जाएगा, कॉस अल्फा बच जाएगा, और यहाँ साइन अल्फा कॉमन ले लेंगे, तो कॉस एक्स बाई साइन एक्स कॉट एक्स होता है, और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, कॉट एक्स लॉग साइन एक्स होता है, तो आप सीधे भी यहाँ पे लॉग साइन एक्स लिख सकते हैं, और इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। यानी ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको प्रैक्टिस करने से आती है, ये किसी पैटर्न पे नहीं है, अभी इनिशियल लेवल पे कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस आपको ऐसे हो सकता है कि कोई पूछ ले, तो आप इन सब क्वेश्चन का जवाब इसी तरीके से दे सकते हैं, और ये थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करने से आएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि पूरी इंटीग्रेशन को हम बांट सकते हैं कुछ टाइप्स में, लगभग हमने जैसे पहले दिन कहा था कि इसे एक टाइप में हम बांट देंगे, और वो टाइप्स में सारे क्वेश्चंस आते हैं, फिट बैठते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो उस टाइप में फिट नहीं बैठते हैं, उनको करने का एक स्पेशल थॉट होती है, उस थॉट के हिसाब से करते हैं, और वो कैसे आता है, वो प्रैक्टिस से आता है, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे, और जब इतने सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये आइडिया खुद ब खुद आ ही जाएगा, और आ जाएगा निश्चित रूप से कि आप इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, क्या थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, और जब इस तरह के थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में आ जाएगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। मतलब आप थोड़ी प्रैक्टिस करते रहें, इसमें लगे रहें, हर एक क्वेश्चन को सोचने का तरीका देखें कि कैसे सोच रहे हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं, कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और प्रॉपरली कैसे सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। अगर इन सब बातों को आप समझ पाए हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ये जितनी भी बातें हमने इस स्लाइड में और इस वीडियो में बताई है उसको ध्यान में रखें। अगले वीडियो में हम कुछ नए तरीके के क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, और हम उस पे कुछ स्पेशल फंक्शन की बात भी करेंगे, तो तब तक इंतजार कीजिए। कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस।